बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और पढ़ रहे हैं। हमने ये चैप्टर 22 तक ख़त्म कर लिया था और हमने कहा था कि हम उसके पास पेपर बाद में देखेंगे। हम जब चैप्टर 24 कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद उसके भी पास पेपर्स देख लेंगे। आज हमने चैप्टर स्टार्ट करना है चैप्टर 24 मीटिंग्स। ये चैप्टर एज पर आपका जो एडिशन है, एडिशन 2017 का जो बुक का एडिशन आया है वही चल रहा है, उसी की नंबरिंग है। चैप्टर 23 आपके कोर्स में अब नहीं है, सिलेबस में, क्योंकि आईकैप ने इस बार जो अपना एग्ज़ाम गाइडेंस में रिवाइज सिलेबस शेयर किया उसमें मोर्टगेजेस एंड चार्जेस के सारे सेक्शंस तकरीबन आप कहने के जी रिमूव कर दिए गए उस सर्कुलर में। ये पेमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ मोर्टगेज और चार्ज, ये सारा अगर हम प्रीवियसली पिछला चैप्टर को एक दफ़ा देख लें, जो कि अब हमारे सिलेबस में नहीं है, हम पे इस एग्ज़ाम जो आपके सितंबर 2020 अटैम्प्ट है इसमें ये टेस्ट नहीं किया जाएगा। तो कंप्लीट चैप्टर आपका सिलेबस बहुत हद तक कम हुआ है मोर्टगेजेस एंड चार्ज। तो चैप्टर 23 हम स्किप कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस नाउ। तो चूंकि हम 2017 का एडिशन यूज़ कर रहे हैं इस वजह से नंबरिंग हम जो भी चैप्टर की है उसी के अकॉर्डिंग देंगे, सिर्फ हम ये कहेंगे कि इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो हम चैप्टर 24 पे आते हैं। चैप्टर 24 का नाम है जी मीटिंग्स। पूरे चैप्टर में दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, कंपनी मीटिंग्स और जनरल प्रोविजंस एज टू कंपनी मीटिंग्स। कंपनी में जो मीटिंग्स होती हैं वो कितनी होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, मीटिंग से रिलेटेड जितने भी आपके सवालात हों जहन में कि वोटिंग राइट्स इतने वोट्स हो सकते हैं इतने नहीं, तो वो सारे अब जो भी चीज़ें हैं मैक्सिमम चीज़ें जो हैं जो आपके इस लेवल पे जो आपसे रिक्वायर की जा रही हैं वो हम यहाँ पे देख लेंगे मीटिंग वाले चैप्टर में। हम इस चैप्टर की ग्रेड भी देख लेते हैं, आईकैप में इस चैप्टर की वेटेज क्या है। हमने जैसे हम अपनी ग्रेड पे आते हैं, हमने प्रिलिमिनरी ऑन इनकॉर्पोरेशन ख़त्म किया, चैप्टर 19 to 20, 5 to 10 मार्क्स। प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल हमारे कंप्लीट हुए, 5 to 10 मार्क्स हमारी ग्रेड कंप्लीट। दो ग्रेड्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं, टोटल 4 ग्रेड्स हैं आपके कंपनी लॉ के सिलेबस में। ऊपर वाली जो दो ग्रेड्स हैं आप कह लें कि सिक्योरिटीज एक्ट है, और नीचे वाली दो ग्रेड हैं वो कह लें कि जी कंपनी एक्ट है। ऊपर वाला पोर्शन आपका एम लॉ से रिलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम इज अ सेपरेट ग्रेड। एनीवे हम कॉर्पोरेट लॉ की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट लॉ में मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, चैप्टर 24 एंड 25। आईकैप में इसकी वेटेज 15 to 25 मार्क्स है। इसमें इनकी जो मीटिंग वाला चैप्टर है और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर 25, ये कंपनी लॉ के आप कह लें कि पूरे पूरे कंपनी लॉ में ये दो चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से आई कैप कहीं से पूछे ना पूछे लेकिन इन दो चैप्टर में से वो ज़रूर पूछता है। एक नंबर का पूछे, दो नंबर का पूछे, बाकी चैप्टर्स में हम देखते हैं कि कुछ चैप्टर वो स्किप कर देता है, जैसे कभी उसने शेयर कैपिटल स्किप कर दिया, कभी मॉर्गेजेस पिछले जब टेस्ट किया तो वो स्किप कर दिया, तो वो ग्रिड में देखता है कि जो बाकी चैप्टर्स हैं उसमें टेस्ट कर लेता है। लेकिन एक मीटिंग्स और मैनेजमेंट ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से वो उसने ही नहीं के कुछ ना कुछ पूछना ही पूछना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और आप इसकी ग्रिड भी देखिए, 15 to 20 मार्क्स 25 मार्क्स इसमें से आपके टेस्ट किए जाएंगे। तो जब आपके एग्जामिनर के पास इतना ज़्यादा क्वेश्चन है तो हमने भी फिर उसको इतना ज़्यादा, उसने जो हमें मौका दिया है कि भाई एक तरह से बताया कि मैं इसमें से ज़्यादा टेस्ट करूंगा, तो हम भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे।
तो हम अपना चैप्टर 24 स्टार्ट कर रहे हैं अभी, मीटिंग वाला चैप्टर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और 25 भी। आप कह लेंगे जो पूरा का पूरा कंपनी लॉ ही इम्पोर्टेंट है, बस ये कि आपके जो शुरू वाले जो फर्स्ट फोर चैप्टर्स हैं 19, 20, 21 और 22, इसकी ग्रेड भी छोटी है और ये चैप्टर्स आसान भी हैं रिलेटिवली। याद करने वाली चीज़ें नो डाउट हैं इसमें, लेकिन आसान है। लेकिन जब आप मैनेजमेंट पे आते हैं तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ समझनी पड़ेंगी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नो डाउट अभी सिलेबस से निकल गया है, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं डायरेक्टर से रिलेटेड, तो इस तरह की चीज़ें हैं। थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिकी ट्रिकी चीज़ें भी आती हैं आपके मैनेजमेंट के चैप्टर में, समझने वाली चीज़ें हैं। जैसे अब आप मीटिंग में देखेंगे तो उसमें कुछ मीटिंग्स ऐसी हैं जिसमें आपको डेज का डिसाइड करना पड़ेगा। अभी तो हमने चैप्टर प्रोस्पेक्टस ऐसा चैप्टर है जिसमें हमने कुछ डेट्स वगैरह की कन्फ्यूजन देखी थी कि आपने डेट का हिसाब रखना है कि किस दिन पहले कमीशन को प्रोस्पेक्टस की कॉपी भेजनी है, फिर वो जो पब्लिकेशन करनी है न्यूज़पेपर में वो कब करनी है, फिर जो प्रोस्पेक्टस है वो 60 डेज के लिए वैलिड रहेगा। ये डेज 3 डेज हमने देखे थे बेसिकली प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में। इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर उसमें हमने ज़्यादा डेज देखे थे, नेम के सिलसिले में, अपील के सिलसिले में, रजिस्टर ऑफिस के सिलसिले में, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में ऑल्ट्रेशन की, फिर आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन की तो वो आपने कितने दिन में आपने कॉपी फाइल करनी है, ऑल्ट्रेशन की आपने शेयर कैपिटल में तो उसकी रेजोल्यूशन की कॉपी। ये दिन इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा कुछ ट्रिकी चीज़ नहीं है। आप कह लेंगे जी इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में एक कहानी क्रिएट करें आप कि भाई मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, मैं क्या क्या पहले सोचूंगा, एक लॉजिकल पर्सन बन के सोचें, लॉजिक सोचें कि सबसे पहले आदमी नाम सोचता है, फिर इस तरह की चीज़ें। अगर आपको देखा जाए चैप्टर्स, तो ये चैप्टर्स कंपनी के ही कह लें कि कुछ फेजेस हैं कंपनी की ज़िंदगी में आने वाली। जब हमने प्रिलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशन देखा तो वहाँ आपने बेसिक बिल्कुल देखा कि कंपनी होती क्या है। चैप्टर 19 में सिर्फ आपने सिर्फ ये समझा कि कंपनी होती क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या हैं, कंपनी के टाइप्स क्या हैं। जब आप इनकॉर्पोरेशन पे आए तो आपने पूरा कंपनी को रजिस्टर करने का प्रोसेस समझा, ये स्टेप बाय स्टेप है। फिर आपने शेयर कैपिटल के बारे में सीखा कि अब आ जाते हैं शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज, इस तरह की चीज़ें जितनी भी हैं, काइंड्स, वट एवर, आप मजीद अपनी कंपनी में मजीद सिक्योरिटीज दे के आना चाहते हैं तो आपने मजीद चीज़ें देखी। अब आप अपनी कंपनी को लिस्टेड करने जा रहे हैं तो मजीद एक लेवल स्टेप आपका बढ़ गया, प्रोस्पेक्टस पे आ गए, प्रोस्पेक्टस के बारे में चीज़ें सीखी। उसके बाद अब कंपनी जब बन गई, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू कर लिया, अब वो अपने जब अपने ऑपरेशन पे आती है, कंपनी को जब मैनेज करना है, तो कंपनी को मैनेज दो तरह से किया जाएगा, उसके जो लोग हैं मैनेज करने वाले जो कि मैनेजमेंट है, और मैनेज किस तरह से करना है, मीटिंग बुलाएंगे तो डे टू डे बेसिस के मामला डिस्कस होंगे वो मीटिंग के थ्रू होंगे। कौन लोग करेंगे, वो मैनेजमेंट करेगी जो कि चैप्टर 25 है, और मीटिंग जिसके थ्रू करेंगे वो चैप्टर 24 है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, डिविडेंड, ये आगे फिर आपके आएगा कि कंपनी के पास बड़े पैसे पड़े हैं, फंड्स पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने नाम से करनी है, इस तरह की कुछ चीज़ें। फिर अकाउंट्स की बात आएगी कि अकाउंट्स को कौन साइन करेगा, कितने दिन में बनाने हैं, कब फाइल करने हैं, किसको करने हैं। फिर डिविडेंड में आएंगे, डिविडेंड मेंबर्स को दिया जाता है, आपको पता है कि प्रॉफिट का कुछ एक पोर्शन आप कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी मेंबर्स को जो डिविडेंड दिया जा रहा है, इंटरिम है या फाइनल है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटरिम और फाइनल डिविडेंड क्या होता है। ओके, एनीवेज अगर आपको नहीं भी याद तो हम ये जाके फर्दर डिटेल देख लेंगे। अभी हम देखते हैं मीटिंग वाले चैप्टर की तरफ आते हैं। ओवरव्यू हमने ले लिया, 5 ऊपर में से भी अब अगर थोड़ा सा देख लें तो ये आपका है जी मीटिंग वाला चैप्टर। आप देखिए इसमें उसने कोई एक समर 19 में शायद नहीं पूछा, लेकिन अगर हम मैनेजमेंट पे आए तो उसने हर अटेम्प्ट में पूछा हुआ है। मीटिंग में एक अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में नहीं पूछा, बाकी उसने देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं। इसके अलावा वो चैप्टर 20 की तरफ खास फोकस रखता था क्योंकि चैप्टर इसकी ग्रेड बड़ी थी कंपनी और इनकॉर्पोरेशन की, दैट्स वाई वो उसमें से ज़्यादा चीज़ें टेस्ट कर रहा होता था। अब तो हमारी ग्रेड ही चेंज हो गई है, कंपनी और इनकॉर्पोरेशन में से जस्ट 5 to 10 मार्क्स का आपसे टेस्ट होगा, शेयर कैपिटल प्रोस्पेक्टस में से 5 to 10 मार्क्स का,
मोर्टगेजेस चार्जेस आपका खत्म कर दिया गया। मीटिंग्स एंड मैनेजमेंट में आपका यही ग्रेड जो है आपकी ये वाली 15 to 25 मार्क्स का। और फिर इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिविडेंड और अकाउंट्स का पोर्शन इसमें से फिर आपका गालिबन 15 to 20 मार्क्स है, 10 to 20 मार्क्स है। और इसमें भी अगर कहूँ ये ऑडिट वाला पोर्शन जो हर बार वो टेस्ट करता था वो निकल गया, ये कंप्लीट आपके सिलेबस से निकाल दिया गया ऑडिट का पोर्शन। तो ये ऑडिट का पोर्शन एक बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ थी, तो आपके सिलेबस में इस तरह से भी जो है सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप इस अटेम्प्ट में इसको इंशाल्लाह पास कर लें। ओके, हम आते हैं अपने चैप्टर की तरफ। पूरे चैप्टर में आपके दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कंपनी मीटिंग्स, जनरल प्रोविजन एज टू कंपनी मीटिंग्स। सबसे पहले आइए कंपनी मीटिंग्स पे। कंपनी की मीटिंग्स नाम से पता लग रहा है, कंपनी चलाने के लिए उसके मेंबर्स, उसके डायरेक्टर्स जो मीटिंग करेंगे वो मीटिंग्स होंगी। और मीटिंग का आपको पता है इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए हमें कि मीटिंग क्या होती है। दो या दो से ज़्यादा लोग जब मिल के आपस में बैठ के मामला डिस्कस करते हैं, एक तरह से क्या कह लें मीटअप करते हैं, तो मीटिंग कहलाई जाती है। अब ये शौकिया तौर पे मीटिंग्स नहीं होती, समटाइम्स कुछ मीटिंग्स लॉ ने रिक्वायर की हैं कि भाई इतनी मीटिंग्स तो कम अज कम कंपनी ने करनी करनी है। कुछ मीटिंग्स लॉ ने रिक्वायर कर दी और कुछ मीटिंग्स डे टू डे बेसिस पे मेंबर्स या डायरेक्टर्स खुद अपनी मर्जी से जब चाहें कि जी कोई मामला डिस्कस करना है ओके जी मीटिंग्स बुला लो, लेकिन कुछ मीटिंग्स वो लॉ ने कंपल्सरी कर दी। वो हम देखते हैं कि कौन सी मीटिंग्स है। अभी आप ये देखिए कंपनी मीटिंग्स में भी हमने फर्दर 3, 4, 5, 6, 7, 8 चीज़ें पढ़नी हैं। और अगर इसको मैं बाइफरकेट करूँ तो हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स पे पहले। अच्छा, कंपनी में दो ही तरह की मीटिंग्स चल रही होंगी, क्योंकि अगर आप देखें तो कंपनी किन लोगों से मिलके बनी है वो हम देख लेते हैं। जब कंपनी बनी थी तो कंपनी में मेजरली दो ही लोग हैं, एक तो अदर ऑफिसर्स या कंपनी के मैनेजर्स जो कंपनी को चला रहे हैं, दूसरा कंपनी के ओनर्स, यही लोग हैं ओनर्स या शेयर होल्डर्स। अब ये ऐसे लोग हैं जो ओनर्स और शेयर होल्डर्स रोज रोज कंपनी के मामला डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, हर रोज आके कंपनी में नहीं बैठे होंगे कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने ये खुद ही करना होता तो उन्होंने अपने बिहाफ पे कुछ लोगों को क्यों अपॉइंट किया होता जिन्हें हम कह रहे हैं डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी को चला रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। तो बेसिकली डायरेक्टर्स और बाकी सारे एम्प्लॉयज और वो एक हायरार्की बनती है, ये लोग बैठ के कंपनी चला रहे होते हैं। मेंबर्स बस चले जाते हैं जब मीटिंग पे बुलाया जाता है, जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन करना होता है, और या फिर कभी जब लॉ ने रिक्वायरमेंट कह दी कि ये बात आपने ओनर्स या शेयर होल्डर से पूछे बगैर नहीं करनी। अदरवाइज डायरेक्टर्स खुद ही कुछ डिसीजन होते हैं छोटे मोटे, छोटी छोटी जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आज एक छोटी सी वैल्यू का एसेट खरीदना है, स्टेशनरी खरीदनी है, खरीदें कि ना खरीदें, अब इसके लिए ओनर्स शेयर होल्डर्स को जाके तंग करने की जरूरत नहीं है। तो छोटे छोटे डायरेक्टर्स, छोटे छोटे मामला जो है वो डायरेक्टर्स के थ्रू डायरेक्टर्स की मीटिंग में हो सकते हैं। तो जो तो डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग कर रहे होते हैं उन्हें कहते हैं बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। और जो तो शेयर होल्डर्स की, ओनर्स की मीटिंग होती है उनको कह देते हैं जनरल मीटिंग्स। तो हमने देखा कि दो ही मीटिंग होती है कंपनी में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और मेंबर्स की मीटिंग जिन्हें जनरल मीटिंग कहते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, ये आगे लॉ ने कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं बताई कि
हायर हायरार्की चीफ एग्जीक्यूटिव की मीटिंग, डायरेक्टर्स के साथ या अदर ऑफिसर, बस डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, इसका मतलब डायरेक्टर बैठे होंगे उसमें, सेक्रेटरी भी होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, तो ये जो कंपनी को चलाने वाले हैं उनकी मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, इसको आप कमेटी मीटिंग भी बोलते हैं, क्योंकि कह लें कि जी एक सर्टन कमेटी होती है, मुख्तलिफ जो भी 5-6 डायरेक्टर्स हैं मिलके वो एक कमेटी बन जाती है, तो इन्हें कमेटी मीटिंग्स भी बोलते हैं। और जनरल मीटिंग कह लें कि जी शेयर होल्डर्स की होती है, शेयर होल्डर्स की फिर बता दें कि शायद क्लास की मीटिंग होती है, डिफरेंट क्लास क्लासेस ऑफ शेयर्स होते हैं, फिर वो मेंबर्स होते हैं, उन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं, वो उसके उस क्लास के शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इन्हें क्लास मीटिंग्स भी कहते हैं। ओके, तो हमने देख लिया कि मेजरली दो मीटिंग होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग और जनरल मीटिंग। कुछ जगहों पे लॉ ने कहा कि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपनी मीटिंग करें, मेंबर्स को ये बात बताने की जरूरत नहीं है, डिसीजन पास करें और कंपनी को चलाएं, बिजनेस कैरी करें। लेकिन कुछ मामलात में कहा कि कुछ मीटिंग्स में ऐसी रिक्वायर कर रहा हूँ कि वो तो मेंबर्स ने आके करनी करनी है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो हमने जितनी भी पीछे मीटिंग्स पढ़ी हैं जिसमें हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए,